नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को पागल और दीवाना बना देती है। मोहब्बत में इंसान पूरी दुनिया के साथ साथ खुद को भी भूल जाता है। कई आशिक तो अपनी अधूरी प्रेम कहानी के चक्कर में जान तक दे बैठते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई मशहूर डायलॉग भी सुने होंगे जिसमें हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि चांद तारे भी तोड़कर लेके आ सकता हूँ। पर ऐसा करते कितने हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच शामली के कस्बा कैराना में एक ऐसा ही प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ एक बेहद ही रोचक किस्सा सामने आया है, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के कहने पर चांद तारे तो नहीं तोड़े बल्कि उससे भी खतरनाक काम कर दिया और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। बता दें, ये मामला एक पति पत्नी के प्रेम प्रसंग का है, जिसमें एक पत्नी के प्रेम में पागल पति ने अपनी पत्नी के कहने पर 11,000 का हाई वोल्टेज का तार पकड़कर जान देने की कोशिश की। इस दुर्घटना में प्रेम में पागल इस दीवाने की जान तो बच गई, लेकिन उसे अपने दोनों हाथ गंवाने पड़ गए। आपको बता दें कि ये मामला कैराना का है। करीब 7 साल पहले नदीम का पास में रहने वाली युवती, जिसका नाम साइमा है, उससे प्रेम हुआ था। दोनों के बीच 7 साल से प्रेम प्रसंग के बाद पिछले साल दोनों के बीच निकाह हुआ। इस बीच कुछ दिन पहले पत्नी नदीम को छोड़कर अपने मायके चली गई। जब नदीम ने उसे वापस आने को कहा तो पत्नी ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने नदीम से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। नदीम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पत्नी ने नदीम से कहा कि फिर जाके 11,000 की हाई वोल्टेज का बिजली का तार पकड़ने का शर्त रख दी। पत्नी के प्रेम में पागल नदीम ने बिजली का तार पकड़ लिया, जिससे नदीम की जान तो बाल बाल बची, लेकिन इस घटना में उसके दोनों हाथ कट गए। इसके बावजूद भी साइमा को उसके परिजन उसके पति के घर पर नदीम के घर पर भेजने को तैयार नहीं है। अब नदीम अपनी पत्नी को मायके से बुलाने के लिए एसपी के दरबार में जाकर गुहार लगाने पहुंच गया है और प्रार्थना पत्र देकर ससुराल वालों से गाली गलौज में मारपीट का आरोप भी लगाया है। नदीम ने बताया कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और सारी उम्र उसका चेहरा देखकर गुजारना चाहता है। पीड़ित नदीम ने अपनी प्रेम कहानी सुनाते हुए कहा कि मेरी मीट की दुकान थी, वो उस पर कभी कभार कुछ खाने आती थी, कुछ उस पे इसी तरह से उसका आना जाना लगा रहा और वो दुकान पर काफी समय तक आती रही और उसे उससे प्यार हो गया। उसके घर वालों से बात करके फिर हमारा निकाह हो गया, लेकिन किसी वजह से अपने घर चली गई और वापस आने का नाम नहीं ले रही। जब मैंने फोन पर बात की तो उसने शर्त रखनी शुरू कर दी, जिसमें उसने शर्त रखते हुए कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। तभी उसकी पत्नी की तरफ से सवाल आया कि आप क्या 11,000 हाई वोल्टेज की तार पकड़ सकते हो। उसने कहा, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और उसने 11,000 की वोल्टेज का तार पकड़ लिया, जिसके चलते उसके दोनों हाथ कटवाने पड़े। नदीम का कहना है कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूं और उसे केवल देखकर ही अपनी पूरी उम्र गुजार लूंगा। क्या हुआ, इस खबर को सुनने के बाद सकते में जरूर पड़ गए होंगे आप। लेकिन आज नदीम ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि प्यार में कितनी ताकत होती है। लेकिन लालच है ऐसी पत्नी और ऐसी प्रेमिका पर, जो अपने पति को परीक्षा लेने के नाम पर इस तरह का खतरनाम काम करने के लिए बोल दे। इस मामले के सामने आने के बाद सभी इस मामले पर आक्रोशित दिख रहे हैं। खबर पर आपकी राय भी हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।